गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास, वेलकम टू एसएसटी क्लास। होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। और आपने टेस्ट बड़े अच्छे किए थे, सबने मेहनत की थी आपने, और मुझे खुशी हुई आपके टेस्ट देखकर। वेल डन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 13 ऑफ हिस्ट्री, द मौर्यज एंड द संगज। The establishment of the Mauryan Empire in the last quarter of 4th century BC marks the beginning of a new chapter in Indian history. In 1326 BC, Alexander, a great Greek conqueror from Macedonia, invaded India and was able to conquer some of the Indian kings and states in the northwest, up to the river Bias in Punjab. He first defeated Ambi, the king of Taxila. Porus, who gave Alexander a stiff resistance, was the other important king defeated by him. But Alexander had to go back from the Bias. As his soldiers got scared of the resistance they received in Punjab, and they were also tired of long journey and warfare. 4th century BC के last quarter में Mauryan Empire का establishment हुआ, और वो एक नया अध्याय था इंडियन हिस्ट्री में। अलेक्जेंडर बहुत ही बड़ा ग्रीक कॉन्करर था, और वो मैकडोनिया से था। उसने इंडिया पे हमला किया और इंडिया के कुछ किंग्स और स्टेट्स पे अपना कब्जा कर लिया, रिवर ब्यास में तक पंजाब में। और सबसे पहले उसने किंग अम्बी, जो तक्षशिला का किंग था, जो कि इस टाइम पे अब पाकिस्तान इस्लामाबाद के नज़दीक है जगह, वहाँ पे था वो, उसको हराया। उसके बाद पोरस, जो कि जिसने कि अलेक्जेंडर को का विरोध किया, और उसके बाद अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा ब्यास से, क्योंकि उसके सोल्जर्स जो थे वो डर गए थे, क्योंकि पोरस ने उनका विरोध किया था, वहाँ पे उनको रोक दिया था पंजाब में आगे एंटर होने में। और इसके अलावा वो अपनी लॉन्ग जर्नी और लड़ाई से थक चुके थे। एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स रिटर्न, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी किंगडम्स। द नंदाज ओवर रूलिंग ओवर मगधा हैड बिकम अनपॉपुलर। Their rule was overthrown by Chandragupta Maurya with the help of his teacher Chanakya, and the Mauryan Empire was established around 321 BC. जब इंडिया से अलेक्जेंडर वापस गया, तो उस टाइम पे इंडिया की जो किंगडम्स हैं वो डिवाइड हो चुकी थी। जैसे मगध पे नंदस रूल करते थे पहले, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पे अपना राज चलाया अपने टीचर चाणक्य की हेल्प से। Two very important books written in this period tell us about the Mauryas and their times. The first is the Arthashastra, written by Kautilya, whose other name was Chanakya. He was a teacher at the Takshila University and a great scholar. After making Chandragupta the king of Magad, Chanakya became the prime minister of the Mauryan Empire. The Arthashastra tells us that about the Mauryan administration. The second book was the Indica, written by Megasthenes, the Greek ambassador of Seleucus Nicator in the court of Chandragupta Maurya. We also have inscriptions of Ashoka written on rocks and huge pillars, stone pillars put up at several places. They are known as Ashoka's edicts. दो इम्पॉर्टेंट बुक्स उस टाइम पीरियड में लिखी गई मौर्यज और उनके टाइम के बारे में। फर्स्ट थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में आपने चैप्टर 1 हिस्ट्री में भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वो कौटिल्य ने लिखी थी, उस जो कि उसका दूसरा नाम क्या था, चाणक्या। और वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर था और एक बड़ा ही अच्छा स्कॉलर था। और चंद्रगुप्त मौर्य जब किंग बना मगध का, और उसके बाद चाणक्य वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया मौर्यन एम्पायर का। अर्थशास्त्र में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है सारा। और दूसरी बुक जो थी वो इंडिका, मेगास्थेनेस ने लिखी थी, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट का। और इसके अलावा अशोका के जो इंस्क्रिप्शन हैं, ये भी हमने हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, सोर्सेज में, लिटरेरी सोर्सेज में,
सॉरी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पढ़ा था, अशोका ने बड़े बड़े स्टोन्स पे और रॉक्स पे और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे वो लिखवाए थे इंस्क्रिप्शंस, और उनको अशोका एडिक्ट्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूनिफाई एंड रूल ओवर ऑलमोस्ट होल ऑफ इंडिया। ही डिफीटेड सेलुकस द कमांडर ऑफ अलेक्जेंडर हु वॉज मेड रूलर ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर अलेक्जेंडर्स रिटर्न। सेलुकस हैड टू गिव अ लार्ज एरिया ऑफ अफगानिस्तान टू चंद्रगुप्त दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट टू कर्नाटका इन द साउथ एंड फ्रॉम असम टू ईस्ट इट एक्सटेंडेड अप टू गुजरात इन द वेस्ट। चंद्रगुप्त रूल्ड अप टू 297 BC। आफ्टर हिम हिज सन बिंदुसार रूल्ड फॉर अबाउट 25 ईयर्स। चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर था जिसने रूल किया था पूरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे। उसने सेलुकस को हराया था जो कि कमांडर था अलेक्जेंडर का और अफगानिस्तान पे जो रूल करता था, और तो इस वजह से उसको चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान देना पड़ा। तो ऐसे अफगानिस्तान भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट बन गया, और चंद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो कर्नाटका तक और ईस्ट में असम तक और गुजरात तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 297 BC तक राज किया। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार जो था उसने 25 ईयर्स तक राज किया। नेक्स्ट अशोका द ग्रेट। आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार हिज सन अशोका बिकेम द किंग इन 273 BC। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स इन द इन वर्ल्ड एंड इज फेमस फॉर हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। इन 261 BC ही कॉन्कर्ड कलिंगा। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन दिस वार। मैनी वर इंजर्ड एंड मैनी मोर वर मेड प्रिजनर्स। अशोका बिकेम सैड बाय दिस ब्लडशेड एंड गेव अप वार फॉर एवर एंड बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। ही विजिटेड मैनी प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम सच एज बोधगया, सारनाथ एंड लुम्बिनी। ही ऑल्सो गॉट थाउजेंड ऑफ स्टूपास कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री एंड सेंट हिज मिशनरीज टू फॉरन लैंड टू प्रीच द मैसेज ऑफ द बुद्धा। हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगामित्रा वर सेंट टू श्रीलंका एज मिशनरीज। बिंदुसार की डेथ के बाद उसका बेटा अशोका किंग बना 273 BC में, और वो अशोका जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे महान जो राजा बने हैं अब तक उनमें से एक जाना जाता है। और उसके जो पीस और ह्यूमैनिटी के मैसेज थे, शांति और ह्यूमैनिटी के जो मैसेज थे उसके लिए भी वो जाना जाता है। एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था उस टाइम पे कलिंगा का, जिसमें बहुत सारे लोग, बहुत भारी गिनती में लोग मरे थे और इंजर्ड हुए थे। उसको उस चीज को देखकर अशोका के मन पे बहुत गहरा असर पड़ा और उसने हमेशा के लिए लड़ाई और युद्ध को का त्याग कर दिया और बुद्धिज्म का फॉलोअर बन गया। उसने बहुत सारी बुद्धिस्ट जगहों पे यात्रा भी की, जैसे बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, और इसके अलावा उसने बहुत सारे स्टूपास भी बनवाए पूरी कंट्री में, और अपने लोगों को बुद्धा का मैसेज देने के लिए अलग अलग जगहों पे भी भेजा। जैसे उसका बेटा महेंद्र और उसकी बेटी संगामित्रा श्रीलंका में गए मिशनरीज बनके। अशोका स्पेंट रेस्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड इंटायर ह्यूमैनिटी। He got his message of peace engraved on rocks and stone pillars and asked all his subjects to follow them. He gave up hunting and forbid killing of animals and birds. He built roads, rest houses for travelers, got wells dug, built hospitals for men and animals. He appointed special officers to look after the welfare of people and preach moral values. He asked everybody to give up violence, to respect elders, to be kind to younger servants, animals and all living beings. He also taught tolerance towards all the religions and charity for the poor. These teachings are known as Dhamma of Ashoka.
अशोका ने अपनी बाकी की लाइफ जो थी वो लोगों की भलाई में और ह्यूमैनिटी का काम करने में बिताई, और उसने रॉक्स और स्टोन पिलर्स पे अपने मैसेज लिखवाए ताकि सारे उसके जो लोग हैं, उसके सब्जेक्ट्स हैं, वो उनको फॉलो करें। और उसने हंटिंग और एनिमल्स को मारना वहाँ पे पूरी तरीके से बंद करवा दिया। अशोका ने रोड्स बनवाए, हाउसेस बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए और कुएं खुदवाए ट्रैवलर्स के लिए, और हॉस्पिटल्स बनवाए इंसानों के लिए और एनिमल्स के लिए। इसके अलावा उसने स्पेशल ऑफिसर्स अपने अपॉइंट किए जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करें और मॉरल वैल्यूज को फॉलो करने में ध्यान रखें। और उसने सभी को वायलेंस को छोड़ के बड़ों की रिस्पेक्ट करनी और छोटों के साथ काइंड रहने का मैसेज दिया सबको, और सबके साथ प्यार से रहने का मैसेज दिया उसने। और अशोका ने गरीब लोगों के लिए चैरिटी भी की, और ये सारी उसकी टीचिंग्स को दम्मा कहा जाता है, दम्मा ऑफ अशोका। अशोका डाइड इन 232 BC। द मौर्यन एम्पायर ब्रोक अप सून आफ्टर हिज डेथ बिकॉज हिज सक्सेसर्स वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। द लास्ट मौर्यन रूलर ब्रिहाद्रा वॉज किल्ड बाय हिज कमांडर इन चीफ पयुषमित्रा संगा। वी शैल टॉक अबाउट द संगा शॉर्टली। अशोका 232 BC में उसकी डेथ हुई, और मौर्यन एम्पायर उसके बाद सारा टूट गया क्योंकि उसके जो सक्सेसर्स थे, उसके बाद जो किंग आए थे, वो कमजोर थे और इनकॉम्पिटेंट थे। वो अपने राज्य को चला नहीं पाए, और उसका जो लास्ट रूलर था मौर्यन रूलर ब्रिहाद्रा, वो उसके कमांडर इन चीफ ने ही उसको मार दिया था, जो कि था पुषामित्रा संगा। दैट्स ऑल फॉर पार्ट 1। थैंक यू सो मच।